दुर्गा सप्तशती त्रयोदशो अध्याय है। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम्। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में अंकुश, वर और अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान विवेकी जन मोहित हुए हैं, होते हैं, हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्ठकि जी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजा अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इससे विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाई। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर में रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन लेकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उनसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः वह तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवश श्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावड़िक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को प्राप्त करने की मुझसे इच्छा की उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांक्षित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावड़िक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावड़िक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।